हेलो स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात हो। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? स्टूडेंट्स कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है ना? आप लोगों का एग्जाम कैसे गया? हाफ ईयरली एग्जाम अभी आपका खत्म हुआ है, कैसा गया आपका पेपर? सब अच्छे हैं? अच्छे रहे हैं आपके पेपर? क्या उम्मीद है हाफ ईयरली एग्जाम में आपके, कि मार्क्स कितने आएंगे? क्या आप लोग अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद रखते हैं? ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे मार्क्स अच्छे पेपर्स दिए हैं। आप लोग अच्छे से आप लोग एग्जाम दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहेंगे और जो भी आपको टीचर्स बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसे लिखना भी सीखेंगे। और अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको और फाइनल एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और फर्स्ट डिवीजन आ पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अभी हमारा संस्कृत पीरियड है, हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे अभी। और संस्कृत में हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 14, ठीक है, यानी कि चैप्टर 14 आप लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 14 है आपका बच्चों पक्षीड़ा। क्या है पक्षीड़ा? पक्षीड़ा का अर्थ होता है पक्षी। पक्षीड़ा का अर्थ क्या होता है? पक्षीड़ा मतलब पक्षी, यानी कि बर्ड। ओके, तो आज आप लोग पाठ 14 में पक्षीड़ा नामानी, यानी कि पक्षियों के नाम संस्कृत में पढ़ना सीखेंगे, उसे लिखना सीखेंगे और उसे आप लोग याद भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक तो आप लोगों ने हिंदी में याद किया होगा पक्षियों के नाम, इंग्लिश में याद किया होगा बर्ड्स नेम, लेकिन संस्कृत में आप लोगों को तो नहीं याद हुआ होगा ना। तो आइए आज हम सब जानेंगे संस्कृत में पक्षियों के नाम कैसे कहते हैं। मयूरा, एक नंबर में लिखी हूँ मयूरा। तो बच्चों मयूरा का क्या अर्थ होता है? मयूरा यानी मोर। मोर को संस्कृत में मयूरा कहते हैं। गीधा यानी कि गीध। गीध को संस्कृत में कहते हैं गीधा। क्या कहते हैं? गीध को गीधा। वका यानी बगुला। बगुला को संस्कृत में कहते हैं वका। शुका तोता। तोता को संस्कृत में कहते हैं शुका। काका कौवा। कौवा का संस्कृत होता है बच्चों काका। उल्लूका। उल्लूका यानी कि उल्लू। उल्लू को बच्चों संस्कृत में बोलते हैं उल्लूका। और चक्रवाका। चक्रवाका यानी कि चकवा। चकवा एक पक्षी का नाम होता है बच्चों। चकवा को संस्कृत में कहते हैं चक्रवाका। वर्तिका। वर्तिका को संस्कृत में कहते हैं बतख। बतख, वर्तिका का अर्थ होता है बतख। बतख को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्तिका। बतख का संस्कृत वर्तिका होता है, ठीक है। कुक्कुटा, 9 नंबर में यहाँ लिखी हूँ कुक्कुटा। कुक्कुटा का अर्थ होता है बच्चों मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा, जिसे आप लोग पीकॉक कहते हैं। मुर्गा का संस्कृत क्या होता है? कुक्कुटा। चटका। चटका का अर्थ होता है बच्चों चिड़िया। चिड़िया को चटका कहते हैं। चिड़िया। हंसा यानी कि हंस। हंस का संस्कृत हंसा होता है। यहाँ सौ के बाद ऋषभ लगा देंगे। कपोता यानी कि कबूतर। कबूतर का संस्कृत कहते हैं कपोता यानी कि कबूतर। कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोता। टीका। पीका का अर्थ मालूम है? कोयल होता है, ठीक है। कोयल का संस्कृत पीका होता है।
मधुपा, मधुपा का अर्थ होता है बच्चों मधुमक्खी। मधुपा का अर्थ होता है मधुमक्खी। काष्ठकुट्टा, काष्ठकुट्टा, काष्ठकुट्टा यानी कि कठफोड़वा, कठफोड़वा, कठफोड़वा को संस्कृत में कहते हैं काष्ठकुट्टा। ठीक है, ये बच्चों आपका संस्कृत में पक्षियों के नाम, पक्षियों नामानी संस्कृत में बर्ड्स नेम। तो आप लोग एक बार अच्छे से याद कीजिए इसको। मोर मयूर, गीत गृध, बगुला वक, तोता शुक, कौवा काक, उल्लू उल्लूक, चकवा चक्रवाक, बतख वर्तिका, मुर्गा कुक्कुटा, चिड़िया चटका, हंस हंसा, कबूतर कपोता, कोयल पिका, मधुमक्खी मधुपा, कठफोड़वा काष्ठकुट्टा। इस तरह बच्चों आप लोग 15 चिड़ियों के नाम संस्कृत में आप लोग इसे याद करेंगे आज, और इसे आप लोग लिखना भी सीखेंगे। ये है आज का आपका पाठ 14 में पक्षीरा यानी कि चिड़िया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने दूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।